दिन पहले देश के बहुत से अखबारों में आपने करोड़ों के विज्ञापन देखे होंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल वाही वाही लूटते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली का पहला आर्मी प्रिपेटरी स्कूल नजोड़ के झड़ोदा गांव में उन्होंने खोला है। आज उसी स्कूल के सामने हम खड़े हैं और उस स्कूल की सच्चाई हम इन दस्तावेजों के माध्यम से बयां करेंगे। ये श्रीशा राव है। श्रीशा राव आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी के कोर ग्रुप के बेहद नज़दीकी हैं। ये आम आदमी पार्टी की स्टार कैंपेनर रह चुकी हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में। अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया उनको जिम्मेवारी देते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस प्रकार से लूटा जाए। शिशा राव उसकी योजना बनाती हैं और योजना के अंतर्गत वो सभी स्कूल्स में जाती हैं दिल्ली के, और दिल्ली का जो झड़ोदा गांव का स्कूल है वो उनको इसके मुफीद लगा, क्योंकि यहाँ लगभग 14 एकड़ की ज़मीन थी स्कूल में और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर था। वो इसकी जानकारी मनीष सिसोदिया को देती हैं 12 जून की विजिट के बाद, झड़ोदा स्कूल की विजिट के बाद। और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल योजना बनाकर लिखते हैं कि दिल्ली में भी होगा अपना पहला सैनिक स्कूल प्लस एकेडमी। उसमें अपनी योजना के अनुरूप सुधार करते हुए श्रीशा राव लिखती हैं, दिल्ली टू हैव इट्स ओन आर्म फोर्सेज प्रिपेटरी एकेडमी सून। अब असली खेल शुरू होता है। श्रीशा राव को जिम्मेवारी दी जाती है कि एक फर्जी एक नई कंपनी बनाई जाए जिसके माध्यम से ये लूट मचाई जा सके। 15 नवंबर 2021 को श्रीशा राव एक नई कंपनी बनाती हैं, साइकोरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके वो डायरेक्टर होती हैं राज्य लक्ष्मी, सतीश गंगा और मनीषा जोशी। ये केवल 1.5 महीने पुरानी कंपनी है और इस कंपनी को इतने बड़े स्कूल की जिम्मेवारी दी जाती है, जबकि इस कंपनी का ना कोई एजुकेशन में एक्सपीरियंस था, ना इसका कोई एजुकेशन सेक्टर में काम था, ना इसने कभी आर्मी सेक्टर की ट्रेनिंग दी थी। फिर किस बिहाफ पे इस कंपनी को टेंडर दिया जाता है? ये सारा लूट मचाई गई है। अरविंद केजरीवाल जी, ये किस प्रकार की लूट है जनता के साथ आर्मी के नाम?